आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने सदैव अटल स्मारक पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमन, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर और अन्य नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वो जीवन प्रयत्न राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। माँ भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। वहीं अमित शाह ने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। अटल जी ने निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा की और भाजपा की स्थापना के माध्यम से देश में राष्ट्रवादी राजनीति को नई दिशा दी। जहां एक ओर उन्होंने परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध में विश्व को उभरते भारत की शक्ति का एहसास करवाया, तो वहीं दूसरी तरफ देश में सुशासन की परिकल्पना को चितार्थ किया। उनके विराट योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर में पार्टी के पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों से सभी बूथों पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने और पूर्व प्रधानमंत्री के अद्भुत व्यक्तित्व पर चर्चा करने को कहा है। वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर बूथ पर रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वाजपेयी की जयंती पार्टी द्वारा चलाए जा रहे 6 बूथ स्तरीय कार्यक्रम में से एक है। हर बूथ पर लाभार्थियों के बीच सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और सुशासन के बारे में चर्चा होगी। हर जिले में केंद्र सरकार, भाजपा शासित राज्य सरकारों की योजनाओं और उपलब्धियों के साथ ही गरीबों के कल्याण के लिए सुशासन पर चर्चा होगी। इस बीच नमो ऐप पर विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर पर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को विकसित भारत का राजदूत बनने के लिए प्रेरित करना और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना है। वहीं आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बटेश्वर में 100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इसके अलावा नवगठित छत्तीसगढ़ सरकार भी पूर्व पीएम की जयंती के अवसर पर किसानों को बकाया धन बोनस राशि जारी कर सकती है।